News 18, India. फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड 2024 के नॉमिनेशंस हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी में कई सारी फिल्म्स को नॉमिनेट किया। बहुत सारे भारतीय फैंस होंगे हिंदी सिनेमा के जो जानना चाहते होंगे उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको इस बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, कौन सी वो फिल्म होगी नॉमिनेटेड जो ऑस्कर अवार्ड लेकर आएगी। तो ऐसे में जो भारतीय फैंस हैं उनके लिए ये जानकारी है कि ऑस्कर अवार्ड की जो फीचर फिल्म की कैटेगरी है उसमें कोई बड़ी भारतीय फिल्म नहीं है इस बार, लेकिन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री जो कि भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, टू किल अ टाइगर, उसको नॉमिनेट किया गया है। ये बेहद उत्सुकता वाली बात है तमाम भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि एलिफेंट विस्फर्स पिछली बार इसी कैटेगरी में एक ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर लेकर आई थी, तो उम्मीदें तो बढ़ गई हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये फिल्म भी इस बार ऑस्कर लेकर आएगी। फिलहाल इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट कर दिया गया है और ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है वो बनाई गई है निशा पाहुजा की ओर से, जो कि इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर हैं। निशा पाहुजा कौन है ये भी आप समझ लीजिए। निशा पाहुजा भारतीय मूल की कैनेडियन फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी कैनेडियन फिल्म मेकर जॉन वॉकर और अली काजमी के साथ बतौर रिसर्चर के तौर पर। वहां से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। दिल्ली में ही ये पैदा हुई हैं, लेकिन 1970 के आसपास इनके जो मम्मी पापा थे इनको कनाडा ले गए और कनाडा के टोरंटो में जाकर ये बस गई और अभी भी ये वहीं पर रहती हैं टोरंटो में। और ये जो फिल्म है टू किल अ टाइगर, इससे पहले तीन ऐसी फिल्म है जिनका डायरेक्शन निशा पाहुजा कर चुकी हैं, उसमें इनकी ये तीन फिल्म है द वर्ल्ड बिफोर हर, बॉलीवुड बाउंड और डायमंड रोड। और अब इनकी ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो उम्मीदें बहुत सारी यहाँ पर उनसे हैं और हर भारतीय फैंस बेहद खुश भी है, बेशक खुश है, और पूरी उम्मीद है कि इस बार ऑस्कर अवार्ड ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर लेकर आएगी।